Good morning, dear students. So today we are going to start our unit number 4. Okay, guys. And again, slowly we will move it on down to it. We will not make any hurry. Some of the students have claimed that, sir, please be bilingual so that we can also understand the concept. The first thing is that this is the policy of Graphic Era Hill University not to conduct any class in bilingual, okay, means using Hindi and English. But we already, even first, second and third unit already, we have covered it in a single language class, that is by using English language. So from now, I'm going to take the subject or deliver the lecture in bilingual, okay? So in both way, I will conduct it out. And slowly we will move it on, okay? So don't think that we have to move as fast as possible, okay? Be calm, be cool, and slowly we will conduct each and every topic so that each and every person can understand, okay? Hum log jo bhi hai, ab yahan pe jo lecture samlenge, theek hai? Wo main thoda Hindi mein bhi aap logon ko uska translation karunga. Aur एक एक टॉपिक हम इजीली और इजी तरीके से कवर करेंगे ताकि हर किसी को थोड़ा सा जो है एक एक उसके लिए एक अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा उसको उसको जानने के लिए कि क्या टॉपिक के अंडर है, उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, ओके? सो आज जो हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो अभी तक हमने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी, माइक्रोवेल कंट्रोल वगैरह एवरीथिंग, ठीक है ना, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल लेआउट के अंदर आएंगे. इंडस्ट्री में कैसा लेआउट होता है एसेप्टिक रूम्स का, कैसे प्रिपरेशन की जाती है रूम्स की, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, और जो जो फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ लगे हुए होते हैं, क्या लेआउट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब पूरा एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे और हर आस्पेक्ट को हम ईजी तरीके से जो है कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसे समझ सकें, ठीक है? सो जो स्क्रीन में आज शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ the aseptic area and the microwell control, okay? तो aseptic area और microwell control की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ आपसे, इसमें aseptic area and the microwell control, ये aseptic area आपका जो है ये आता है industrial layout के अंदर, ठीक है ना, कि अगर हम aseptic area अगर हमारे पास में है, अगर हमने बिल्डअप किया है, तो हम माइक्रोबियल को कैसे कंट्रोल करें, माइक्रोब्स को कैसे कंट्रोल करें, ठीक है? इसके रिगार्डिंग, सो गाइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग द एसेप्टिक टेक्निक्स, एसेप्टिक एरिया एंड माइक्रोबियल कंट्रोल, ओके? सो दिस इज द एसेप्टिक टेक्निक. What is actually the aseptic technique? Okay, to whom we actually called it as an aseptic technique. Okay, so the aseptic technique is actually a technique in which we are going to, we can say that we actually have the area specified under the microbial control, and the controlling of the microbes, it means we must have some area where we are going to prevent these microbes, okay? Aseptic area hum, ya aseptic area hum us particular area ko kahenge jis area mein hum microbial control kar sakte hain, ya jo area microbial control ke karan clear ho chuka hai, jisme koi bhi microbial growth na ho, theek hai? Ye hamara aseptic cabin ya aseptic room hum use kahenge, yani ki ek aisa room jis tarike se design kiya gaya ho, ek is tarike se construct kiya gaya ho जिसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम, ठीक है ना? और वो पर्टिकुलर प्रोसीजर, वो पर्टिकुलर टेक्निक जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्या हो, कम हो, उस टेक्निक को हम एसेप्टिक टेक्निक कहते हैं, ठीक है? सो द एसेप्टिक टेक्निक, वो टेक्निक जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन को हम रोक सके. और एसेप्टिक रूम एक ऐसा रूम जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया हो, ऐसा कंस्ट्रक्ट किया गया हो जिसमें हम अपनी सर्विस, जिसमें हम अपने अपने वर्क परफॉर्मेंसेस को इस तरीके से काम कर सके कि उसमें कम से कम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है?
नाउ द डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया, ठीक है ना, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस चीज को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आगे हमें और चीजें समझने की जरूरत नहीं। आप एक लेआउट देख रहे हैं नीचे, ठीक है ना, ये लेआउट आपका एसेप्टिक एरिया का लेआउट है, जहां आपने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, सिरप्स, पेरेंट्रल प्रिपरेशंस, इंजेक्शंस, वैक्सीन्स वगैरह का निर्माण किया है, ठीक है ना, आपने उसका प्रोडक्शन किया है। नाउ इस पर्टिकुलर एसेप्टिक एरिया का लेआउट क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट की हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट आपके उसी एसेप्सिस कंट्रोल, ठीक है ना, एसेप्सिस कंट्रोल के बेसिस पे डिस्पेंस हो सके, ठीक है ना, एसेप्टिक कंट्रोल के बेस्ड पे ही ये शिपमेंट हो सके, दूसरे एरिया में जा सके या मार्केट में जा सके, ठीक है। टिल गोइंग टू द मार्केट और टिल डिलीवर, टिल डिस्पेंसिंग टू द मार्केट, उनका जितना भी रख रखाव होगा, जितना भी स्टोरेज होगा, जितना भी क्वारंटाइन उनका होगा, उस पर्टिकुलर क्वारंटाइन में वो आपके एसेप्टिक एनवायरमेंट के अंदर ही सारी चीजें होंगी, ठीक है ना, उनका स्टोरेज हो, उनका क्वारंटाइन हो, वो सब का सब एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इंडस्ट्री के अंदर एक स्पेसिफिक एसेप्टिक एरिया डिजाइन किया जाता है, और वो डिजाइन इसीलिए किया जाता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, वो जब तक डिस्पेंस नहीं हो जाता है, जब तक वो शिप्ड नहीं हो जाता है, जब तक वो मार्केट के लिए उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाता है, तब तक वो एसेप्टिक एनवायरनमेंट में ही रहे, यानी कि बिल्कुल माइक्रोबियल फ्री जोन में रहे, ठीक है ना। एंड व्हाट आर द कंडीशन एंड फॉर व्हाट वी आर जस्ट डिजाइनिंग दिस एसेप्टिक एरिया, इस एसेप्टिक एरिया को क्यों डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट वी रिक्वायर अ क्लीन एनवायरनमेंट, वी शुड नॉट रिक्वायर द एनवायरनमेंट विच कंसिस्टिंग ऑफ एनी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से। अनदर थिंग, द प्रोडक्शन एरिया, ओके, द प्रोडक्शन एरिया इट मस्ट बी क्लीन अप। जो प्रोडक्शन एरिया होगा, ठीक है ना, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें सबसे पहले आपके पास में होगा क्लीन एरिया, क्लीन अप एरिया, ठीक है, सेकेंड होगा आपका कंपाउंड एरिया, ठीक है, कंपाउंड एरिया के बाद में आपका क्वारंटीन एरिया, क्वारंटीन एरिया के बाद में आपका पैकेजिंग एरिया, और पैकेजिंग एरिया के बाद में दैट विल बी द टू द शिपमेंट एरिया, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें हमारे पास में रहेंगी, ठीक है। नाउ अगर ये सारी की सारी चीजें अब हमारे पास में ऑलरेडी हैं, ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे कि एक सेटअप डिजाइन करेंगे हम, ठीक है ना, अब हम यहाँ पर एक सेटअप डिजाइन करेंगे, और उस सेटअप डिजाइन जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर हमें इस तरीके का डिजाइन चाहिए या इस तरीके का एक सेटअप अगर हमें चाहिए, तो हम कौन कौन से सेक्शंस को किस प्रकार से एडजस्ट करें। डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया में यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। आप जब कभी आप जो है किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आप लेआउट में देखिएगा, कईयों के लेआउट में काफी फर्क होगा, ठीक है ना, वो एक जैसा लेआउट नहीं होगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट होगा, ठीक है, लेआउट डिफरेंट होगा, और उसके बेस पे फिर क्या होगा कि आपका जो जो प्रोडक्शन यूनिट जो वहां पे काम कर रही होगी, ठीक है ना, फिर उनकी आपस में जो यू नो जो शेयरिंग होती है, ठीक है ना, कि प्रोडक्शन एरिया का प्रोडक्ट बन के फिर दूसरे एरिया में आए, फिर वहां से स्टोरेज एरिया में जाए, ठीक है, तो ये इस तरीके की प्रोसेसिंग फिर स्पेसिफिकली एक एसेप्टिक कंडीशन के अंदर की जाती है। और याद रखिए, जैसे कि हमने पहले कहा था कि एसेप्टिक एरिया में काम करने वाले जितने भी आपके वॉलंटियर्स होंगे, वो एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास में एक पैसेज बना होता है हर एरिया के लिए, ठीक है ना, हर एरिया से मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए पैसेज बना होता है, हमें उस पैसेज के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को दूसरे एरिया में सेंड करना, ठीक है, और जब हम दूसरे एरिया में उसे सेंड करेंगे, तो कोशिश यही रहेगी कि जो हमारा अपना स्पेसिफिक कैबिनेट है, हम उसी के अंदर ही रहें, हमारा काम सिर्फ उसी कैबिनेट के अंदर है, ठीक है ना, व्हेन वी विल जस्ट सप्लाई टू द अनदर एरिया,
then it will be the responsibility of the another volunteer to take care of that particular control, okay, that particular consignment, okay. और ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी भी आपको बताई, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी चीजें होती हैं टोटली एसेप्टिक कंडीशंस में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले आपके डेफिनेशन में बताया कि एसेप्टिक टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन को क्या करने के क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, वो टेक्निक जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है। और एसेप्टिक रूम एक फुली क्लीन एरिया जो इस तरीके से डिजाइंड होता है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड होता है सो एज टू मिनिमाइज द माइक्रोबियल कंट्रोल, जहां पे माइक्रोबियल कंट्रोल की मिनिमाइजेशन हो सके, ठीक है ना। नाउ सो द डिजाइन ऑफ द एसेप्टिक एरिया, एक कॉमन मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ कि एसेप्टिक एरिया का लेआउट किस तरीके से हो जाता है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है। सो फर्स्ट इज द एयर लॉकिंग सिस्टम, ये एंट्रेंस सिस्टम है, ठीक है ना। यानी कि भाई अब एसेप्टिक एरिया में आना है तो कहीं से तो हमारा एंट्रेंस होगा ही, लेकिन वो एयर जो आप जब आप अंदर जाओगे, ठीक है ना, तो क्या होगा कि जैसे ही आप दरवाजा एंट्रेंस का दरवाजा खोलोगे और उससे अंदर जाओगे तो एक एयर कर्टेंस लगे होते हैं वहां पर, एयर कर्टेंस लगे होते हैं, यानी कि एक वर्टिकली आपको जो है एक एयर फ्लो होगी, हैवी एयर फ्लो। वो हैवी एयर फ्लो क्या करेगी कि आपके पीछे जो एनवायरमेंट की एयर आ जाएगी उसको स्ट्रक आउट कर देगी, ठीक है, उसको रोक देगी, रोक देगी, यानी बाहर की हवा बाहर ही रुक जाएगी। उसके बाद दरवाजा क्लोज हो जाएगा, दरवाजे के क्लोज होने के बाद में द अनदर स्टेप इज टू एंटर इनटू द एसेप्टिक एरिया, यानी कि वो एरिया अब आपका लाइनन का एरिया होता है। लाइनन का एरिया मतलब जहाँ पे आपको अपनी ड्रेसिंग्स को चेंज करना होता है, वहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक जो एसेप्टिक एरिया के अंदर जो गाउन्स होते हैं उन गाउन्स को पहन के फिर अंदर आप एंटर करेंगे। और सबसे पहले जो स्पेसिफिक ऑफिस जहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये ऑफिस होता है जहाँ पे आप लोग अपनी एंट्री करेंगे, जहाँ पे डेटाबेस मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। वंस यू मेंटेन द डेटाबेस इन द ऑफिस देन आइदर यू विल गो टू द कंपाउंड एरिया और यू विल गो टू द स्टॉक रूम, ठीक है ना। या तो सीधे आप कंपाउंडिंग एरिया में चले जाएंगे या फिर आप स्टॉक रूम में आएंगे। कंपाउंडिंग एरिया में जाने वालों के लिए भी अगेन द एयर लॉकिंग सिस्टम विल बी देयर, क्योंकि आप बाहर से ऑफिस वाले से आप सेकेंड रूम में जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वहाँ पे एयर लॉकिंग सिस्टम चाहिए। लेकिन अगर आप स्टॉक रूम में जा रहे हैं देन द स्टॉक रूम इट मीन्स वी हैव टू टेक द सैंपल्स, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ सैंपल्स का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो अब वहाँ से प्रिपरेशन करने के लिए देन यू विल कम टू द क्लीन अप एरिया। क्लीन अप एरिया में एक क्लीन अप एरिया जो होता है वो एक तरीके से हम ये कहें कि यहाँ पे डिस्पेंसिंग वेइंग का जो है ना यहाँ पर क्या किया जाता है कि कितना वेट हमें लेना है, कितने वेट का हमें सैंपल्स चाहिए, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सैंपल्स को हम कितना हमने यूज़ करना है, वो सारे के सारे फॉर्मूले वगैरह इसी क्लीनअप एरिया में आ जाते हैं। क्लीनअप एरिया में जाने में क्या होगा कि जब आप यहाँ अपने सारे सामान को लेके इस पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो पहले ये पूरी तरीके से स्क्रीनड होगा, ठीक है ना, स्क्रीनड होगा फॉर माइक्रोवेव इन्फेस्टेशन के लिए। और इस पर्टिकुलर क्लीनअप एरिया से क्या किया जाएगा, हर पैकेट में से अगर लेट सपोज आपने 10 पैकेट्स आपने जो है स्टॉक रूम से लिए हैं तो हर पैकेट्स में से थोड़ा थोड़ा सैंपल क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए चला जाएगा, ये पहले इनिशियली फेज में, ताकि पहले ही स्टेप में पता चल जाए इफ देयर विल बी एनी डेविएशन ऑन द माइक्रोबियल कंट्रोल तो हम प्रोडक्ट को वही रोक सके, उसे बनने ना दे, ठीक है। नाउ क्लीन अप एरिया से आपका क्वालिटी कंट्रोल में सैंपल चला गया, नाउ इट विल बी गो टू द कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग एरिया में चला जाएगा जहां पे इसकी फॉर्मुलेशन बनने का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मुलेशन बन जाएगी देन वी हैव टू गो फॉर द एसेप्टिक कंडीशंस। अगर एसेप्टिक फिलिंग एरिया, अगर यहाँ पर हम पेरेंटल्स की बात कर रहे हैं तो हम एसेप्टिक फिलिंग एरिया में चले जाएंगे, और अगर हमने ऑलरेडी अपने टैबलेट कैप्सूल्स वगैरह बना लिए हैं, एंटीबायोटिक्स कैप्सूल्स बना लिए हैं तो हम डायरेक्ट स्टरलाइजेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम कुछ तरीके इस तरीके से भी डायरेक्टली चले जा सकते हैं, ठीक है ना। नाउ when you will go to the aseptic filling area or sterilization then it will be directly goes to the the fully flushed material, theek hai na, fully flushed material if it is there it is will be of two types. Fully jo flushed material hoga do prakar ka hoga, pehla ki jise hum directly prepare karne ke baad mein dispense kar sakte, theek hai na. For example the market se aapke paas mein ek jo hai query market mein market se aapke paas mein ek consignment aaya aur unhone kaha ki hame urgently around 1 lakh पेरेंटल प्रिपरेशंस की जरूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टरलाइजेशन होने के बाद डायरेक्टली आप पैकेजिंग और फिनिशिंग वाले सेक्शंस पे चले जाएंगे। पैकेजिंग और फिनिशिंग वाले सेक्शन पे जाने के बाद में, ठीक है ना, अगर थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो जाती है तो आप क्वारंटाइन एरिया में रहते हैं,
और क्वारंटाइन एरिया में अगर आपको लगता है कि नहीं भेजना है, देन यू विल डायरेक्टली गो फॉर दी फर्स्ट द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग एंड देन यू विल डायरेक्टली गो फॉर द स्टोरेज एंड द शिपिंग एरिया, ठीक है ना। जहाँ से फिर एक हमारे पास में एग्जिट पॉइंट होता है, इस एग्जिट पॉइंट से पूरा पैकेज करने के बाद, पैकेजिंग होने के बाद में इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ बाहर जो है आपके ट्रक्स खड़े होते हैं, और उन ट्रक्स खड़े होने के बाद यानी कि आप अपना मटेरियल लेके उन ट्रक्स में डाल दीजिए और वहाँ से वो डायरेक्टली आपका मार्केट में डिस्पेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्वारंटाइन में हम जनरली उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को रखते हैं जिनकी हमें रिपोर्ट में थोड़ा सा जो है गड़बड़ी नजर आती है, ठीक है ना। हमें लगता है कि अगर इफ देयर विल बी सर्टेन डिविएशन सो वी कैन जस्ट क्वारंटाइन द मटेरियल, वी जस्ट अगेन रीचेक द वैल्यूज इन द क्वालिटी कंट्रोल एरिया। हम क्वालिटी कंट्रोल एरिया में फिर से उन वैल्यूज को चेक करेंगे, और वैल्यूज को चेक करने के बाद अगर हमें लगता है कि यस नाउ वी कैन प्रोसीड देम ड्यू टू सर्टेन मिस्टेक्स, ठीक है, हो सकता है कभी कभार कुछ केमिकल्स से कुछ एरर या पर्सनली कुछ एरर आ जाती है, तो उन एरर को फिर से मिनिमाइज करने के लिए उन्हें रैंडमली फिर दो तीन हम वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं, और जब तक वो वैल्यूज ऑब्जर्व किया जाता है, जब तक हमारे पास में रिजल्ट आता है, तब तक हम उस मटेरियल को क्वारंटाइन में रखेंगे। और आई थिंक दैट क्वारंटाइन मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बिकॉज क्वारंटाइन आज के टाइम पे आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है। तो वही क्वारंटाइन जो सेक्शन बनाया जाता है वो इस इंडस्ट्री में पहले से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। और क्वारंटाइन करने के बाद में इफ देयर विल बी सर्टेन लेट, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा लेट हो जाए या हमारे पास में व्हीकल आने में थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उन क्वारंटाइन में हम बाकायदा उन सैंपल्स को रखते हैं। ये क्वारंटाइन एरिया जो होता है, ये क्वारंटाइन जो एरिया होता है, ये पूरी तरीके से एसेप्टिक एरिया होता है जहाँ कोई भी पर्टिकुलर माइक्रोबल कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वारंटाइन एरिया बार बार स्टरलाइज किया जाता है, स्टरलाइज करने के बाद में क्वारंटाइन में जाने के बाद में देन इट विल डायरेक्टली गो टू द स्टोरेज एंड शिपिंग, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट के लिए डिस्पेंस कर लिया जाता है, ठीक है। सो क्लीन अप एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लीन अप एरिया हमेशा कुछ ग्रेड के एरिया होते हैं, तो क्लीन अप एरिया इज हैविंग सर्टेन ग्रेड्स लाइक ए बी सी एंड डी, और ये ए बी सी डी यानी क्लीन एरिया ए, क्लीन एरिया बी, क्लीन एरिया सी और क्लीन अप एरिया डी, ये चार प्रकार की कैटेगरी जनरली इंडस्ट्री के अंदर दी जाती हैं क्लीन अप सेक्शंस को। और ये डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की एयर आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन में आ रही है, एंड द एयर क्वालिटी ऑफ द एयर डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द हिपा फिल्टर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन व्हिच इज बीन यू नो सेटअप एट द एग्जॉस्ट एरिया, जहां पर से हम एयर इंट्रेंस एरिया हम या कहें हम कहें कि एयर लाइनिंग जहां से आती है, ठीक है, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है, उस पर्टिकुलर एरिया पे जो हिपा फिल्टर्स लगे जाते हैं उसमें से हम एयर पर्टिकुलेट की क्वालिटी को मेजर करते हैं। इफ द क्वालिटी इन विल बी विद इन द पर्टिकुलर लिमिट्स, जब क्वालिटी जो एक स्पेसिफिक लिमिट में होती है, ठीक है ना, उन लिमिटेशंस के बेस पे हम क्लीनअप एरिया को ग्रेड देते हैं ए बी सी या डी करके, ठीक है ना। सो दिस इज एक्चुअली द डिजाइन ऑफ एसेप्टिक एरिया। ओके, नाउ द फ्लोर वॉल एंड द सीलिंग्स, यस फ्लोर वॉल एंड द सीलिंग्स ये भी होनी चाहिए। इट शुड बी स्मूथ, इम्प्रूवियस, इजी टू क्लीन, कंस्ट्रक्ट मिनिमाइज द माइक्रोबियल एंड द पर्टिकुलर कंटामिनेशन, ठीक है ना, बहुत ही ईजी होनी चाहिए, उसमें दरारें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो जो जो आपकी जो वॉल्स हैं, ठीक है, सीलिंग्स हैं, वो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए जिससे हम इसमें पार्टिकुलेट या माइक्रोबियल कंटामिनेशन बहुत कम से कम हो, ठीक है ना। फ्लोर कंस्ट्रक्शन के लिए जो फ्लोरिंग अगर हमें करनी हो फ्लेक्सिंग और नॉन फ्लेक्सिंग मटेरियल के साथ में, ठीक है ना, ये वो पर्टिकुलर मटेरियल होता है जिसमें अगर कोई भी पर्टिकुलर अगर इंग्रेडिएंट गिर जाए तो वो उसमें दाग नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो हमें ऐसे भी नहीं चाहिए कि जो वहाँ पे अपना स्टेन रिलीज कर दे, स्टेन रिलीज हो जाएगा तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन होगी, ठीक है ना। फ्लोर मटेरियल, फ्लेक्सिंग फ्लोर मटेरियल जो होता है ये आपका पीवीसी नॉन स्लिप ग्रेड से बना होता है, पीवीसी दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये एक प्लास्टिक होता है, इसी प्लास्टिक से ही हमें अपने फ्लेक्सिंग फ्लोर मटेरियल को यूज किया जाता है, एंड इट इज यूज बिकॉज इट इज इजिली रिपेयर्ड, इट इज इजिली क्लीन, इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी चीप, ठीक है ना। ये ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होता है, इसलिए पीवीसी की जो लाइनिंग्स वगैरह हम इनको यूज करते हैं, ठीक है, फ्लोरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। नॉन फ्लेक्सिंग लाइक हार्ड ऑर्गेनिक फिलर इन द मैट्रिक्स मटेरियल, जिसमें हम अब ये कह सकते हैं कंक्रीट हो गया, जिसमें कई फ्लूइड्स हो गए, ठीक है, जिसमें कई सॉल्वेंट्स हो गए, तो ये नॉन फ्लेक्सिंग मटेरियल्स को हम इस तरीके से जो है ना कंस्ट्रक्टेड मटेरियल में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, ताकि उनमें से जो हम कहते हैं कि सीलन आ जाती है या कहीं से दीवारें रिस जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हो,
हम पहले से इन सारी चीज़ों को क्या कर सके, अपना प्रोटेक्ट कर सके, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। ठीक है, वॉल्स दे मस्ट बी मेड ऑफ नॉन इन्फ्लामेबल और द फायर रेसिस्टेंट मटेरियल लाइक ग्लास एनमेलेटेड स्टील। ठीक है, जो वॉल्स होंगे हमें, तो वॉल्स को फायर रेसिस्टेंट मटेरियल, थर्मोस्टेबल मटेरियल से हम जनरली इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है ना, प्लास्टर्स एक्चुअली डैमेज इजी ऑन इन, जो प्लास्टर यहाँ पे प्लास्टर्स हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि असल में प्लास्टर क्या होता है कि अगर हम थोड़ा सा उसके उस पर हार्ड फ्रिक्शन अगर हम लगाएं तो प्लास्टर इजिली डैमेज हो जाता है, इसलिए इनैमिलेटेड इनैमिल्ड स्टील्स या ग्लास के हम जनरली वॉल्स इसमें प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड वॉल्स अगर हम कुछ इस तरीके की वॉल्स प्रिपेयर करें, अगर लिटिल बिट प्लास्टर्स की, जहाँ पर हम एक मिनिमम अमाउंट तक 1/4 अगर हम प्लास्टर्स की वॉल्स अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमें इसमें 1% ऑफ 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन इसमें जो है ऐड करना होता है। दिस 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन एक्चुअली एक्ट एज एंटी फंगल एजेंट विच एक्चुअली रिड्यूस द फंगल ग्रोथ। इसके अलावा हम पेंटाक्लोरोफिनोल, ठीक है, सैलिसाइनिलाइड इस पेंट में हम ऐड कर सकते हैं। तो वॉल्स की जो पेंटिंग वगैरह होगी, यानी इसमें जो पेंट होगा, वो एक एंटी फंगल पेंट हम जनरली इसमें यूज करेंगे। ठीक है ना, इपॉक्सी रेजिन पेंट्स और पॉलीयुरेथेन पेंट्स, ये दो प्रकार के पेंट्स हम यूज करते हैं ताकि उनमें क्रैपिंग या पीलिंग ना हो सके। ठीक है, उनमें क्रैक्स ना आ सके या दीवारें जैसे छिल जाती है ना, ठीक है, जैसे पेंट निकल जाता है जहाँ पे हल्की फुल्की सीलन होती है, तो वहाँ से पीलिंग ऑफ पील ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें इन वॉल्स में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे घर के अंदर भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे घर में जैसे सीलन आ गई तो पेंट झड़ना शुरू हो जाता है, पेंट निकलना शुरू हो जाता है। तो यही सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है इंडस्ट्री के अंदर भी। ठीक है ना, अगर इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग होनी है, वहाँ भी दीवारें वगैरह ये सब के सब उसी मटेरियल से बनी होती है जिस मटेरियल से हमारे घर बने होते हैं। हमें बस इतना इतनी प्रोटेक्शन हमें रखनी है ताकि मिनिमम से मिनिमम माइक्रोबियल कंट्रोल उस पर्टिकुलर लेआउट के अंदर होने पाए। ठीक है ना, ओके, सो दिस इज अबाउट द फ्लोर वॉल सीलिंग्स एंड द एसेप्टिक कंट्रोल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग और अदर स्मूथ जो ना अदर स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके की डोरिंग्स विंडोज वगैरह जो है किस तरीके से इन एसेप्टिक लेआउट में होती हैं। ठीक है ना, सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।